नमस्कार सलाम, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। सबसे पहले हेडलाइंस। निजीकरण के खिलाफ बैंक कर्मियों की हड़ताल का दूसरा और आखिरी दिन। गुड़गांव नमाज मामला सुप्रीम कोर्ट में, पूर्व सांसद ने दायर की याचिका। कर्नाटक विधानसभा में विधायक का रेप पर शर्मनाक बयान। और दिल्ली में ओमिक्रॉन के 10 नए मामले। अब खबरें विस्तार से। यूएफबीयू के नेतृत्व में कल 16 और आज 17 दिसंबर को देश भर के सरकारी बैंकों के लाखों कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगें रखी। देखिए न्यूज क्लिक की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बैंकों का निजीकरण नहीं चलेगा, नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद। अभी हम मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे, जो पार्लियामेंट से कुछ ही दूरी पर है। आज देश भर में बैंक कर्मचारी हड़ताल पर है। इनकी हड़ताल 16 और 17 दिसंबर दो दिवसीय हड़ताल है, देशव्यापी हड़ताल है, जिसमें देश भर के सरकारी बैंक कर्मचारियों ने भाग लिया है। इनकी मुख्यतः एक तो निजीकरण के खिलाफ, और सरकार ने दो विधेयक जो पार्लियामेंट में रखे हुए हैं, जिनको टेबल इस सत्र में किया जाना है। इसके खिलाफ देश भर के बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। इन्हीं हड़ताली कर्मचारियों से बात करके हम समझने की कोशिश करेंगे ये हड़ताल क्यों कर रहे हैं, और इस विधेयक में ऐसा क्या है जिसके खिलाफ इन कर्मचारियों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। पिछले बजट के अंदर विशेष तौर पर वित्त मंत्री महोदय ने ये बोला था कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंदर हम दो बैंकों को प्राइवेटाइज करेंगे, निजीकरण करेंगे उनका। आप सभी को पता है कि निजीकरण करने का उद्देश्य क्या होता है। देश की संपत्ति को प्राइवेट हाथों में बेच देना, या प्राइवेट बैंकों को प्राइवेट हाथों में बेच देना प्राइवेटाइजेशन है या निजीकरण है। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही है, पूंजीपतियों के हाथ देश की संपत्ति को बेचना, ताकि वो जो लाभ है इन बैंकों से वो सब खुद कमा सकें और देश की आम जनता को बैंकिंग की सुविधाओं से वंचित कर दें। हम देश के नागरिक होने के नाते और बैंक कर्मचारी होने के नाते इन देश विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं, और हमने जैसे ही ये वित्त मंत्री की स्टेटमेंट आई थी तभी से हमने आगाह कर दिया था भारत सरकार को कि देश के बैंकों का निजीकरण हम नहीं होने देंगे। हम देश के नागरिक भी हैं, हम देश की जनता को इन सुविधाओं से वंचित नहीं होने देंगे। जब सरकार नहीं मानी और इस सत्र के लिए, शीतकालीन सत्र के लिए जब इन दो बिलों को लिस्ट कर दिया गया एजेंडा के अंदर, तो हमने कहा कि अभी सरकार को सड़कों पर आकर चेताना पड़ेगा, सड़कों पर देश की जनता को भी अपने साथ मिलाना पड़ेगा, और हमने ये दो दिन की राष्ट्रीय हड़ताल का आह्वान किया है ताकि सरकार की आंखों और सरकार के कानों में जू रेंग सके और देश विरोधी नीतियों से हटकर बैंकों को निजीकरण ना करें। जो लोग समझदार हैं, जो लोग जानते हैं कि हाँ ये निजीकरण क्यों हुआ था, प्राइवेटाइजेशन क्यों होगा, वो लोग इसके खिलाफ हैं। और आम जनता के साथ हमारा अभी भारत यात्रा शुरू हुई थी 24 तारीख से, और 30 को यहीं पर उसका समापन भी हुआ था। उसमें आम जनता हमारे साथ आई थी, हमारी जो रैली थी वो 24 अक्टूबर को दो जगह से, मुंबई से और कोलकाता से चली थी। उसमें फिर यहाँ पर आम जनता के लोग भी आए हैं, हम लोगों ने उनसे भी इंटरेक्शन किया है और सब लोग हमारे साथ हैं। हम इस जॉब में क्यों आए, सबसे बड़ी बात यह है हम इस जॉब में आए सेवा करने के लिए। हमारा जो मोटिव रहता है, गरीब की सेवा भी है अमीर की भी है। बैंक की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है इस दुनिया की जो गरीब को भी करती है और प्रॉफिट भी कमा के देती है। आप अगर देखिए, हमसे काफी बार क्वेश्चन होते हैं कि आप प्रॉफिट नहीं दे रहे हैं। अगर आप एम्स जाके क्वेश्चन करने लगे कि आप कितना प्रॉफिट दे रहे हैं, तो ये बेईमानी होगी, क्योंकि फोर्टिस प्रॉफिट कमाने के लिए, एम्स प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है। तो सरकारी बैंक प्रॉफिट के लिए नहीं है, वो देश की सेवा के लिए है। एक एक गरीब तक पहुँचे, प्रधानमंत्री जनधन योजना हुई, आवास योजना हुई, हर एक का मकान हो, हमारा मोटिव ये होता है। हमारा मोटिव ये नहीं होता महल हो किसी के, महल के लिए तो प्राइवेट बैंक बहुत सारे हैं। प्राइवेट बैंक से हमारा कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। उनका सिर्फ एक मोटिव है, प्राइवेट होते ही क्या हो जाएगा, हमारा भी मोटिव सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए हम काम करेंगे। आप जब जियो में, आपने जब वो लिया उसका सिम, उस समय वो फ्री में दिया गया था, बस आधार कार्ड दीजिए, अंगूठा लगाइए, आपको फ्री में सिम। आज उसका कितना रेट है, 700 के करीब उसका 84 डेज का टैरिफ है। क्या MTNL आपने बंद कर दिया, BSNL बंद कर दिया, तो सरकारी तो चीज़ें बंद हो गई, सरकारी तंत्र आपने बंद कर दिए।
उसके बाद आप प्राइवेट को किस मोटिव से दे रहे हैं? सिर्फ प्रॉफिट के लिए। तो अगर जो प्रॉफिट ही मोटिव है तो सॉरी, उसके लिए ये प्राइवेट बैंक्स बहुत अच्छे हैं, वो ज़्यादा रेट भी दे देते हैं। जब यस बैंक सेविंग बैंक पर 6% दे रहा था, सरकारी बैंक जो है 2.90 पर, क्योंकि हम तो RBI से गवर्न है, तो कहाँ 2.90 और कहाँ 6%। तो यस बैंक जब डूबने लगा तो उसको बचाने के लिए कौन गया? SBI, LIC जो पब्लिक सेक्टर से। तो जब उनको बचाने के लिए, तो हम लोग आज तक, आप कोई भी ऐसा इंसिडेंस बता दीजिए कि भारतवर्ष में ये सरकारी बैंक डूब गया, कोई भी नहीं। लेकिन प्राइवेट बैंक्स कितने डूब गए? नेशनलाइजेशन से पहले 550 से ऊपर डूब चुके थे, तभी ये डिसीजन लिया था उस टाइम की गवर्नमेंट। उसके बाद बेसिक देश का डेवलपमेंट शुरू हुआ। तो ये चीज़ें देखा जाए, पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इस समय जो निजीकरण का वो ये लेकर आए हैं बिल, अगर ये पास हो जाता है तो ये दोबारा से नेशनलाइजेशन से पहले वाली स्थिति में सारे बैंक्स पहुंच जाएंगे कि आम आदमी की तो कोई पूछ ही नहीं है, उसके खाते नहीं खुलेंगे, उनका पैसा जो जमा आएगा वो कौन यूज़ कर रहे होंगे? वो पूंजीपति यूज़ कर रहे होंगे। सब चीज़ों को अगर प्राइवेट कर देंगे तो आम जनता कहाँ जाएगी? जो राष्ट्रीयकरण की नीति स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने अपनाई थी, तो उसके क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे? देश को कहाँ से कहाँ तक लेके गए वो? ये तो उल्टे उसको प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, जहाँ इन्होंने उनको स्ट्रोंग करना चाहिए था उसके विपरीत करते जा रहे हैं। और जहाँ तक स्ट्राइक की बात है, एक या दो दिन की स्ट्राइक, ये तो एक आई ओपनर है गवर्नमेंट के लिए। अगर गवर्नमेंट इस स्ट्राइक से भी नहीं चेती तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए भी जाएंगे, क्योंकि हमें अपने और देश के हित के लिए आगे सोचना है और इस लड़ाई को आगे तक लेके जाना है। जिस तरह से किसानों ने हमें राह दिखाई है, हमने उनको सपोर्ट भी किया, आज किसान भी हमारे साथ हैं, आम पब्लिक भी हमारे साथ है, और इस लड़ाई को हम यहीं पर ख़त्म नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट को दिखा देंगे कि संघर्ष क्या होता है। आज जुमा यानी शुक्रवार है, और पिछले 3 महीने से ये शुक्रवार पूरे गुड़गांव शहर में उस खलल और उस दखल को देख रहा है जो हिंदुत्ववादी संगठन नमाज के बीच कर रहे हैं। और इस मामले में अब मुस्लिम समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पूर्व राज्यसभा सदस्य मोहम्मद अदीब के नेतृत्व में हाल ही में बनी गुड़गांव मुस्लिम काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और नमाज में बाधा डालने, नमाज के दौरान हंगामा करने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। साथ ही गुड़गांव के चीफ सेक्रेटरी और DGP पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। याचिका में तो यह भी कहा गया कि इस तरह के हंगामों से ही हेट क्राइम्स में बढ़ोतरी होती है। पिछले 3 महीने से गुड़गांव की अलग अलग जगहों पर जुमे की नमाज का विरोध किया जा रहा है। हिंदुत्ववादी संगठनों का कहना है कि मुस्लिम खुले में नमाज नहीं पढ़ सकते, नमाज पढ़ने से गुड़गांव शहर का इस्लामीकरण हो रहा है। बता दें कि 2018 में ऐसे ही विवाद के बाद प्रशासन ने दोनों समाजों की सहमति से 37 जगह जुमे की नमाज के लिए तय की थी, मगर इस साल ये अगस्त सितंबर से मामला फिर शुरू हो गया, जिसके बाद हर शुक्रवार को नमाज का विरोध किया जा रहा है। इसके बाद प्रशासन ने 37 में से 8 जगहों पर नमाज रुकवा दी थी। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी यहां तक कह दिया कि वो खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यूं तो एक दूसरे के विरोधी हैं, मगर जब भद्दे मजाक की बात आती है, स्त्री विरोध की बात आती है, तो कांग्रेसी विधायक के घटिया चुटकुलों पर BJP सदस्य भी हंसते हुए दिखाई देते हैं। मामला कर्नाटक की विधानसभा का है। 16 दिसंबर को जब सारा देश निर्भया कांड की याद से गमगीन था, तो कांग्रेस विधायक और पूर्व में खुद विधानसभा अध्यक्ष रह चुके KR रमेश कुमार ने सदन में बलात्कार को लेकर ही मजाक कर दिया। उन्होंने किसी बात का जिक्र करते हुए कहावत के नाम पर एक भद्दी टिप्पणी की, जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते। उनके इस भद्दे बयान पर सदन के अन्य मर्द सदस्य हंसते हुए दिखे और स्पीकर विशेश्वर हेगड़े भी हंस रहे थे। सोशल मीडिया पर विवाद बढ़ने के बाद विधायक रमेश कुमार ने माफी मांग ली है, मगर वो तो 2019 में भी बलात्कार पर ऐसा ही मजाक कर चुके हैं, वो भी सदन के अंदर ही। ना तब कार्रवाई हुई थी और ना इस बार हुई है। इस मामले में BJP के नेता कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस ये कह रहे हैं कि स्पीकर तो BJP का है, मगर महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुनावी रैली में कर आए हैं। जब उस टिप्पणी पर कार्रवाई नहीं हुई तो सवाल यही उठता है कि विधायक पर कार्रवाई कौन करेगा। और अंत में कोरोना अपडेट।
देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा और डर दोनों बढ़ रहे हैं। एक दिन में राजधानी दिल्ली में 10 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 20 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि अब तक 10 लोग ठीक भी हो चुके हैं। इसके साथ ही देश में ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या 90 के करीब पहुंच गई है। वहीं पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में 7,400 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं और 391 लोगों की मौत हुई है। वैक्सीन की बात करें तो अब तक 136 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं, जिसमें से करीब 70,40,000 डोज पिछले 24 घंटों में दी गई हैं। तो आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए, YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकारिता को समर्थन दीजिए। धन्यवाद।